कभी आपने सुना है कि किसी स्कूल की छुट्टी संडे की जगह फ्राइडे को हो? नहीं ना, हमने भी नहीं सुना अंटिल टुडे। झारखंड के जामताड़ा में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब आप भी सोचेंगे कि भाई ऐसे पर्टिकुलर किसी इलाके में बच्चों की छुट्टी फ्राइडे को क्यों होती है और अब इसको लेकर जो है विवाद क्यों हो रहा है, बताएंगे आपको आगे। हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक, मैं हूं निधि तनेजा। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि जामताड़ा, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर रविवार के बजाय स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को होती है। ये बात सामने आई कि जिन इलाकों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां चलने वाले विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार के दिन विद्यालय चलाया जाता है। कहा गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार को विद्यालय के छात्र जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। छुट्टी तो ऐसे संडे को हर जगह में है, लेकिन हम लोग जब से जानते हैं तो संडे को चालू रहता है, शुक्र को छुट्टी है। लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा था, यानी सभी सब दिन छुट्टी रहता, मास्टर ही नहीं रहता। जब मामला चर्चा में आया तो जांच करने के दौरान पता चला कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे जिले में मात्र 6 ही उर्दू विद्यालय संचालित हैं। आंकड़ों से इतर 100 से ज्यादा उर्दू विद्यालय इलाके में चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग दबाव देकर विद्यालय के नाम के आगे उर्दू विद्यालय लिखवा देते हैं। फिर ये भी बात सामने आई कि मुस्लिम बहुल इलाके में संचालित हिंदी विद्यालयों में भी शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। जब जमतारा के विधायक से इस पर सवाल पूछा गया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये बेबुनियाद सवाल है। विद्यालय में जात पात धर्म नहीं होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा, तमाम चैनल से कहूँगा कि इस तरह की बातें मीडिया में ना लाए तो बेहतर है। ठीक है, अगर विद्यालय सरकारी है तो सरकारी नियम का फॉलो होगा, सरकारी गाइडलाइन का फॉलो होगा। अगर आपका विद्यालय प्राइवेट है तो आप जो करना है कीजिए, लेकिन ये कहना कि जानता मैं मनमानी रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूल बंद करेंगे रहेंगे मुस्लिम, तो मुस्लिम कहाँ से आ गया? ये कितना हल्का बात है बताइए, ये तो समाज को तोड़ने की बात है। आप बच्चे का दिमाग भाजपा खराब कर रही है, उनका जहन खराब कर रही है, उनका मानसिकता खराब कर रही है। शुक्रवार को छुट्टी इसलिए मिलता है कि फ्राइडे होता है, फ्राइडे में नमाज पढ़ता है ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो, और अगर एक दिन ऑफ करते हैं तो दूसरा दिन आपको, ऐसा तो नहीं है ना कि संडे को क्लास नहीं होगा फिर, तो ये आप क्यों नहीं पूछ रहे? अगर फ्राइडे को बंद कर दे रहा है मुस्लिम स्कूल तो संडे को भी बंद होना चाहिए, दो दिन लाभ लेता था मालूम चलता आपको, तो वो तो संडे को, जो फ्राइडे का पढ़ाई खत्म हो रहा है तो संडे को पूरा हो रहा है। बीजेपी अब इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है। सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल सरकारी नियम और कानून से चलना चाहिए, उसमें धर्म जाति और पंथ के आधार पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इस प्रकार से फिरका परस्ती लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जहर डालने का काम करते हैं। जामताड़ा उसका उदाहरण है कि वहां पर रविवार के छुट्टी के बजाय वहां पर शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है बच्चों को, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून सम्मत, नियम सम्मत, धर्म के आधार पर शिक्षा को बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वहीं अब NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने गढ़वा जिला उपायुक्त को इसकी तुरंत जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। NCPCR ने कहा कि मिली शिकायत के मुताबिक गढ़वा जिले में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी स्कूली बच्चों पर शरीयत और इस्लामी प्रथाएं थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लेंट में यह भी कहा गया कि स्कूलों में स्कूल की प्रार्थना को बदलने के लिए मजबूर भी किया गया है प्रिंसिपल्स को। वही मामले को लेकर सफाई देते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जैसे ही झारखंड में मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार की छुट्टी होने की और प्रार्थना बदलने की खबरें सामने आई तो हमने जामताड़ा और गढ़वा जिले में DEO और DSE को चर्चा के लिए बुलाया है। महतो ने कहा कि हमें इस मामले में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है, फिर हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन होगा। जैसे कल अखबार में आया
हम उसको गंभीरता से लिए और सभी जामताड़ा के डीओ डीएससी बीओ को बुलाया। बुलाने के बाद उस पर कोई बंद कमरे में हम चर्चा नहीं की, आप लोग सामने थे। उस चर्चा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया, पत्र जाएगा विभाग से कि एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें, उस रिपोर्ट से हम संतुष्ट हो जाएंगे। नियम संगत कानूनन तो फिर अगला हम लोग इस पर क्या कार्रवाई हो सकता है विचार करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर आपकी राय क्या है, ये कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।